हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस रिवाइज करेंगे। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस है क्या? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या ये कह लो जिन चीज़ों में कुछ कंडीशंस की वजह से चेंजेस आते हैं, जैसे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं दूध को, ठीक है। अच्छा, दूध हमने देखा होगा फट भी जाता है, दूध कैसे, ये क्यों हुआ? ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। और कभी कभी हम दूध में थोड़ी छाई डालते हैं, अक्सर देखा होगा, तो वो कर्ड में चेंज हो जाता है, ये क्यों हुआ? ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ। उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे, तो उस वजह से वो दूध दही में बदल गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, तो ये सब केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। आयरन जो है, आयरन को हम छोड़ देते हैं मॉइस्चर में, तो रस्टेड, उस पर रस्ट आ जाती है, ये क्यों होता है? ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और जैसा कि एग्जांपल है, आलू पोटैटो है, तुम उसको बॉईल करते हो, उबालते हो, तो बॉईल करने से पहले काफ़ी हार्ड था, बाद में वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया, ये कैसे चेंज हुआ? उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई। और भी कई एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप हम पढ़ सकते हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो आगे हम पढ़ते हैं, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। यानी कि इन सभी ऊपर जो कंडीशंस लिख सिचुएशंस लिखी हुई हैं, इनमें क्या होता है कि जो इनिशियल सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे भी ना कैसे बाद में चेंज हो जाते हैं, और ये चेंजेस जो आते हैं वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो मैटर के होते हैं, वो हम इससे पहले पुरानी 8th या 9th क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में अगर केमिकल चेंज होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बाकी के एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटी नंबर 1 यहाँ दी गई है। यू मे परहैप्स टू बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअल मीन्ड बाई केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। यानी कि जो भी चेंजेस बदलाव हैं, केमिकल रिएक्शंस जो है हो रही हैं या हुई हैं, तो वो सब हम कैसे पता करते हैं, उसके लिए एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है। यहाँ इसको आप पढ़ोगे सेल्फ, और जब लैब ओपन होगी उसमें कराई जाएंगी, तब आप उसको समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो वो दिया गया है कि यू हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिवन वन विद द डैजलिंग वाइट फ्लेम चेंजेस इंटू वाइट पाउडर। ओके, मतलब तुमने देखा होगा जो मैग्नीशियम का रिवन जो जलाया था, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है और वाइट पाउडर में बदल जाता है, ठीक है। ये जो पाउडर था मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन, रिएक्शन होती है किसमें, बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रजेंट इन द एयर, जो ऑक्सीजन एयर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन आपको मिलेगी, इस पेज पर वो क्वेश्चन लिखी है, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इस पर हम अभी आएंगे। तो फिलहाल ये इसमें क्या लिखा था कि कोई भी अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ये वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये और भी कई एक्टिविटीज़ हैं इसमें दी गई हैं, इसमें पढ़ सकते हो। तो उन एक्टिविटीज़ से आप महसूस करोगे कि उनमें कुछ चेंज आया, और ये चेंज जो आया वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आया, ठीक है। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो ये हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम द विथ एक्टिव वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस या ऑब्जर्वेशन दिए, जैसे कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो, गैस का तो ये दिया गया, जिंक के कुछ टुकड़े लिए इसमें,
एक फ्लास्क लिया इन्होंने, कॉनिकल फ्लास्क। उस कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के कुछ टुकड़े लिए, ठीक है, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू किया, ठीक है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू किया तो तुम देखोगे, इसको टच करोगे यहाँ पर, तो ये बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर ये पता चलता है इसके अंदर से टेम्परेचर निकल वो इंक्रीज़ हो रहा है इसका, सॉरी हीट एवॉल्व हो रही है। दूसरा, इसके अंदर से गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। जब माचिस की तीली को तुम इसके पास ले जाओगे ना, तो पॉप साउंड के साथ वो जलने लगेगी वो गैस। तो हाइड्रोजन गैस एक ऐसी है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, याद रखना। ये एमसीक्यू जो तुम्हारी स्टार्ट होंगे नवंबर एग्ज़ाम, नवंबर मंथ में, सॉरी नवंबर दिसंबर में, 90 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा बोर्ड की तरफ से, तो उसमें ऐसे करके ही ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखना, पूछा जाए कि कौन सी गैस अगर हाइड्रोजन गैस, सॉरी कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, तो वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। टेम्परेचर का और गैस का ये हो गया। चेंज इन कलर के तो बहुत कई एग्जांपल्स हैं। तुम नॉर्मली अपने घर में मैंगो की देख लो, मैंगो अगर ग्रीन हरा मैंगो लेके आते हो, उसको तोड़े में छपा कर रख देते हो, तो कुछ दिन बाद वो ग्रीन मैंगो जो था रॉ मैंगो, तोड़े में कुछ दिन बाद येलो हो जाता है, ठीक है, येलो हो जाता है। वो भी चेंज इन कलर का ही एग्ज़ाम्पल है। टेम्परेचर का एग्ज़ाम्पल एक और है कलई। कुछ लोग डिस्टेम्पर ना करके कलई करते हैं, यानी कि चूना, तो जब उसको मटके में डाल के भिगोया जाता है तो उसके अंदर से काफ़ी हीट जनरेट होती है, वो काफ़ी गर्म पड़ जाता है। चेंज इन स्टेट के एग्ज़ाम्पल सॉलिड लिक्विड देख सकते हो तुम, वाटर है लिक्विड है, उसको तुम क्या नाम है सॉलिड में चेंज कर सकते हो आइस के रूप में, या कैम्फर है। आप कैम्फर जो तुम्हारी पूजा में हम आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सीधे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बाकी का केमिकल इक्वेशंस क्या है हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो तब तक आप इतना बोलो।